दोस्तों आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लासा और मासा के जो सवाल पूछे जाते हैं वे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में भी हमने लासा और मासा से संबंधित जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमने भी आप लोगों के लिए बताए, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम तुम लोगों को बताएंगे कि जो मासा और लासा के अनुपात पे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपन को संख्याएं नहीं दी गई हैं, सिर्फ उन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुपात दिया हुआ है तो कौन कौन संख्याएं अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपाते 2 अनुपाते 3। दोस्तों जब संख्याएं अनुपात में दी गई हो तो उनको किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो हमने एक्स मान लेते हैं, यानी पहली संख्या मान ली जाएगी, मान लेते हैं पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या 2x है और तीसरी संख्या 3x है, ठीक है। दोस्तों अब संख्याएं अपनी, अपन ने तीन संख्याओं को मान लिया है, पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 2x, तीसरी संख्या है 3x, ठीक है। तो संख्या निकल के आई है x, 2x और 3x अपन ने मान लिया है। अब दोस्तों अगर इनका हम मासा देखें तो मासा कौन होता है, ये तीनों में कॉमन हो वो मासा कहलाता है। तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है, यानी कॉमन कौन संख्या मिल रही है, एक्स मिल रही है, ठीक है। तो यानी मासा क्या आ गया इनका, एक्स आ गया। और x की वैल्यू पर कितना दी है, यानी मासा की वैल्यू कितनी दी हुई है, x निकल के आया है, मासा निकल के आया है, ठीक है दोस्तों। और x की वैल्यू दी कितनी गई है, मासा 12 है, तो हम x बराबर कितना मान लेंगे, 12 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब x का मान हम रख देंगे, पहली संख्या क्या मानी थी दोस्तों, पहली संख्या मानी थी हमने x, ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या मानी थी 2x, तो इसको रख देंगे, एक्स का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, तीसरी संख्या माने कि 3x, ठीक है, तो एक्स की जगह कितने रख देंगे, 12 है, ठीक है। तो 12 है 3 कितने हो जाते हैं दोस्तों, तो 36। तो फिर संख्याएं कुल निकल के आई हैं 12, 24 और 36, ये इसका आंसर हुआ। लासा मासा पैदा करके सवाल एक और लेते हैं। इसके पहले भी बताया गया, इसके पहले वीडियो में भी बताए गए हैं लासा और मासा पे आधारित क्वेश्चनों को बताया गया है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले ये सवालों को जब करने में ज्यादातर फायदा होगा जब इसका बेस पहले से तुम्हारा क्लियर होगा। अगर लासा और मासा निकालने का बेस क्लियर होगा तभी ऐसे सवाल करने में तुम्हें बेनिफिट होगा, यानी उसको जल्दी समझ लोगे, समझने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, जिससे आपके लिए लासा और मासा के बेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं और उनका लासा 2 से 40 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों संख्याएं तो दी नहीं गई है, केवल दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 4 दिया हुआ है दोस्तों। तो हम मान लेंगे पहली संख्या क्या मान लेंगे, 3 दी गई है, तो उसे मान लेंगे 3x। पहली संख्या माना, पहली संख्या या छोटी संख्या माना, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या मान लेंगे दोस्तों 4x मान लेंगे। अब दो संख्याएं निकल के आ चुकी हैं, पर दोनों संख्याएं आ गई हैं, एक संख्या है 3x और एक संख्या है 4x, ठीक है दोस्तों। तो अपन को दिया क्या गया है, लासा। लासा इसके पहले क्वेश्चन में मासा दिया गया था तो हमने तीनों संख्याओं का मासा ले लिया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में दिया है दोनों संख्याओं का लासा दिया गया है, ठीक है। तो हमें दोनों संख्याओं का लासा कितना निकलेगा दोस्तों, लासा निकालना हम जानते ही हैं, 3 का अगर 4 का यानी 3x और 4x का अगर लासा निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा, 12x निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इनका लासा कितना हो जाएगा, 12x, एलसीएम निकल के आएगा 12x। तो 12x जो है वो किसके बराबर दिए गए हैं, उनका लासा 2 से 40 है,
तो जो 12x दिए गए हैं वो किसके बराबर हैं, 2 से 40 के बराबर, क्योंकि जो लासा निकल के आया है दोनों संख्याओं का वो लासा हमें दिया ही गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, x की पोजीशन निकाल लेंगे, तो ये 2 को कितनी बार में 20, तो इतना x कितनी आ जाएगी 20 निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो x का मान रख देते हैं, छोटी संख्या क्या मानी थी, छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो छोटी संख्या क्या थी दोस्तों, 3x। ठीक है, तो यहाँ x का मान रख देंगे तो छोटी संख्या निकल के कितनी आएगी, 60 निकल के आएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन को और लेते हैं, जो कि SSC 10+2 2013 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका लासा 75 है, तो उनका मासा क्या होगा। दोस्तों हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है और लासा दिया हुआ है, संख्याएं दोस्तों दी नहीं गई है कि डायरेक्ट में उसका निकल आएगा, तो दोस्तों संख्याएं नहीं दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में हम संख्याओं को मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5:5 के अनुपात में संख्याएं दी गई है। ठीक है, तो पहली संख्या को मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं दोस्तों 3x। ठीक है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं दोस्तों, संख्या तो दी नहीं गई है, अनुपात दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं दोस्तों 5x। ठीक है, पहली संख्या मान ली 3x और दूसरी संख्या मान ली 5x, 3x और 5x। दोस्तों तो अब हमें यह देखना है कि सवाल में इन संख्याओं का लासा दिया हुआ है या मासा। दोस्तों उनका मासा कितना दिया हुआ है, 75, तो लासा दिया हुआ है दोस्तों 75, तो हमें इनका पहले लासा निकालना है, वो जो इनका लासा निकल के आएगा वो उस 75 के बराबर होगा, तो इनका लासा दोस्तों कितना आएगा, 15 जो लासा 75 में जो लासा निकल के आया है 15, वो कितने 15x निकल के आया है, वो 75 के बराबर है, दिया हुआ है ना, तो 75 के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अपनी वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 5, यानी x बराबर कितना निकल के आया है, 5, x की वैल्यू निकल के आई है, 5 निकल के आई है। तो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 3x, तो अपन x की वैल्यू को रख देंगे, तो x की वैल्यू 5 है, तो पहली संख्या निकल के आएगी 15। दूसरी संख्या कौन सी थी, दूसरी संख्या थी 5x, तो यहां पर x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी, दूसरी संख्या निकल के आई है 25 और पहली संख्या निकल के आई है 15। अब दो संख्याएं निकल के आ गई, तो संख्याएं दी नहीं गई थी, अब संख्याएं निकल के आ गई हैं 15 और 25, तो संख्याएं निकल आई हैं, अब इनका क्या निकालना है, मासा, जो कि निकालना सरल है, 15 के फैक्टर बना लेंगे तो 15 के फैक्टर कितने आएंगे, 3 और 5, ऐसे 25 के फैक्टर निकाल लेंगे तो कितने आएंगे, 5 × 5। ठीक है दोस्तों, तो इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF पूछा गया है, मासा पूछा गया है, दोस्तों आप जानते ही निकालना, इसका मासा कितना आएगा, इसका मासा निकल के आएगा 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा लासा और मासा पर आधारित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को और लेते हैं, जो कि SSC CGL 2001 में पूछा गया था, तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दो संख्याएं दी हुई हैं 28 और 42, इसका लासा पूछा जा रहा है और मासा, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, दोनों का पहले लासा निकाल लेंगे और फिर मासा निकाल लेंगे, उसको अनुपात में रख देंगे। दोस्तों कैसे करते हैं, संख्याएं दी हुई हैं 28 और 42, ठीक, तो पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। दोस्तों इसके निकालने की बहुत विधियां हैं, लेकिन दो विधियां हैं, लेकिन हम इसके लिए भाग विधि से निकालते हैं, लासा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लासा निकालेंगे, पहले दो से सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो ये कटेगा 14 बार में, ये कटेगा 21 बार में। ठीक है दोस्तों, दो से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो
तो ये जाएगा सात बार में। तो दोस्तों दो से नहीं जा रहा है, दो से ही कर लो दोस्तों, तो जाएगा सात बार में, इक्कीस के इक्कीस ही रहेंगे। अब इसको तीन से काट, तीन से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर सेवन आ जाएंगे, फिर से सेवन से डिवाइड करेंगे तो एक एक आ जाएंगे। दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकल के आएगा दुगनी चार या बारह, बारह से दोस्तों चौरासी निकल के आएगा, यानी एलसीएम कितना निकल के आया है, चौरासी। अब इन दोनों ही संख्याओं का हमें क्या निकालना है, मासा, लासा निकाल लिया, अब क्या निकालना है, मासा। तो मासा निकालते हैं 2842 का मासा। दोस्तों मासा निकालने की भी दो तीन विधियां हैं, लेकिन आपको सबसे जो इजी हो उस प्रकार से तुम मासा निकाल सकते हो। तो उस संख्या से मासा निकालने के लिए वैसी संख्या लेनी पड़ती है जो दोनों को काट रही हो, इसको भी काट रही हो और इसको भी काट रही हो। तो यानी दो, दो से 28 भी कट रहे हैं और 42 भी कट रहे हैं। अब एक संख्या और, कोई संख्या है, हाँ दोस्तों सात से भी ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, दोनों संख्याएं कटना चाहिए क्योंकि मासा निकाल रहे हैं, लासा तो निकाल ही रहे हैं। तो मासा निकालेंगे तो जे दो बार में और जे तीन बार में। अब किसी एक टेबल से दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं तो इनको वहीं का वहीं छोड़ देंगे। तो एलसीएफ इसका यानी मासा निकले कितना आएगा, सात दूनी 14 निकल के आएगा। तो मासा कितना निकल आया, 14 निकल के आया है, और लासा कितना निकल के आया है, 84 निकल के आया है। तो इन दोनों को हम अनुपात में रख देंगे, क्यों, लासा और मासा का अनुपात पूछा है, तो लासा अनुपाते मासा। तो लासा कितना दिया हुआ है, 84, इसको पहले रखेंगे क्योंकि पहले लासा पूछा जा रहा है फिर मासा का अनुपात, तो पहले लासा रखेंगे और फिर मासा को रखेंगे। दोस्तों इसको काटेंगे एक बार में 14 से और जे कटेगा 6 बार में, ठीक है दोस्तों। तो अपना आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 6 अनुपात 1, यानी लासा और मासा का 2842 के लासा और मासा का अनुपात निकल के कितना आया है, 6 अनुपात 1, जो ऑप्शन नंबर पहला।